दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रुपीज 1 डेफिनेटिव सर्कुलेटिंग कॉइन्स के बारे में। और आप सभी के पास अगर ये टॉप 10 डेफिनेटिव सर्कुलेटिंग कॉइन में से एक भी कॉइन है तो आप लोग उसको अच्छे तरह से इजीली सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सभी को कलेक्शन करना है उन सभी कॉइन्स में से तो उनको अपने कलेक्शन में रखने के लिए कितने खर्च करने पड़ सकते हैं, ये भी चीज़ें डिटेल रूप से बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से बिल्कुल अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल होने वाला है आप सभी के लिए, अगर आप नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर परचेज करना चाह रहे हो। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह के नोट और सिक्कों के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है, जरूर हमें कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आज के मेन टॉपिक जो टॉप 10 रुपीज 1 डेफिनेटिव सर्कुलेटिंग कॉइन है उसके बारे में बात करेंगे, कौन से हैं और इसकी जो नंबरिंग है वो हम लोग टॉप 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 9 इस तरह से बिल्कुल 1 तक, और सभी के प्राइस जो है प्रेजेंट मार्केट प्राइस वो भी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर पे जो कॉइन आता है ये आता है, यहाँ पे बेसिकली दो कॉइन है 1989 और 1990 का, ये 6 ग्राम वजन का कॉपर निकल वाला कॉइन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये कॉइन भारत के चारों मिंट में ढलाई हुआ था, हैदराबाद मिंट, बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और नोएडा मिंट में, लेकिन ये कॉइन सिर्फ नोएडा मिंट वाला ही स्क्वायर कैटेगरी में आता है और यही आपको प्राइस दिला सकता है अच्छा खासा। बाकी के 3 मिंट का जो कॉइन था ये कॉमन सर्कुलेशन में था जो कि उतना रेयर नहीं है, लेकिन जो नोएडा मिंट का कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके कॉइन्स के नीचे डॉट मिंट मार्क है तो आप समझ लो कि ये कॉइन रेयर है और ये नोएडा मिंट का है, और ये कॉइन आपको इवन सी कंडीशन में दिला सकता है अप टू 100 रुपीज़, यानी कि अगर आपको अपने कलेक्शंस में इस कॉइन को रखना है तो इसके लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं पूरे 100 रुपीज़, या फिर आपको सेल करना है तो भी आप उसको 100 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो 9th नंबर पे कॉइन है वो है 1984 के 6 ग्राम वजन वाले कॉपर निकल के कॉइन, जो कि यहाँ पे सबसे रेयर है वो हैदराबाद मिंट का है। आपको बता दें ये कॉइन बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट में ढला था, लेकिन सबसे रेयर आपका सिर्फ हैदराबाद मिंट का ही कॉइन है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपके कॉइन्स के डिनोमिनेशन के नीचे, यानी कि जो अशोक स्तंभ है या फिर डिनोमिनेशन के नीचे जो मिंट मार्क है वो अगर स्टार मिंट मार्क है तो आप समझ लो आपके कॉइन हैदराबाद मिंट का है और ये काफ़ी रेयर है, और आपको ये इवन सी कंडीशन में दिला सकता है अप टू 150 रुपये तक, यानी कि अगर आप इसको अपने कलेक्शन में रखना चाह रहे हैं इस 1984 के 6 ग्राम वजन वाले कॉइन को, तो आपको खर्च करना पड़ सकता है पूरे 150 रुपये तक इवन सी कंडीशन में। जो 8th नंबर पे हमारे कॉइन आता है वो है 1962 के प्योर निकल से बना हुआ 10 ग्राम वजन वाला ये कॉइन। नोट करने वाली बात यह है कि ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ कोलकाता मिंट में ही ढला था, और कोलकाता मिंट का ये कॉइन काफी रेयर है, और इसमें अगर आप लोगों को मिंट मार्क देखा जाए तो अगर कोई मिंट मार्क नहीं है तो आप लोग ये चीज समझ जाओ कि ये कोलकाता मिंट का है, क्योंकि कोलकाता मिंट का जो मिंट मार्क है वो बिल्कुल प्लेन है, वहां पर कोई मिंट मार्क नहीं होता है, और ये कॉइन आपको इवन सी कंडीशन में दिला सकता है 200 रुपए, यानी कि अगर आप लोगों को अपने कलेक्शंस में ये 1962 का कॉइन जो 10 ग्राम वजन वाला कॉइन है इसको आप लोग रखना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है पूरे 200 रुपए तक इवन सी कंडीशन के लिए। अब अगर हम बात करें टॉप 7 की जो कॉइन है ये है 1950 का प्योर निकल से बना हुआ 11.66 ग्राम वजन वाला 28 mm इसका जो डायमीटर है, यानी कि इसका जो थिकनेस है वो भी काफ़ी मोटा है, और ये कॉइन नोट करने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही ढला था, और नोटिंग का बात ये भी है अगर आपके कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे डायमंड मिंट मार्क है तो ये कॉइन काफ़ी रेयर हो जाता है, और ये कॉइन अगर आप लोग कलेक्शंस में रखना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है पूरे 300 रुपए तक इवन सी कंडीशन के लिए। यहाँ पे जो 6th नंबर पे कॉइन आता है ये है 1986 का 6 ग्राम वजन वाला कॉपर निकल का कॉइन, जिसमें नोटिंग करने वाली बात यह है कि ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट में ढला था, लेकिन ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट का था वही रेयर है, बॉम्बे और कोलकाता मिंट का जो कॉइन था वो कॉमन सर्कुलेशन में था इसी वजह से वो रेयर नहीं था। अगर आप सभी के पास हैदराबाद मिंट का 1986 वाला कॉइन है तो आप लोग इसको सेल भी कर सकते हैं,
और अगर आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, नोट करना कि अगर आपके नोट कॉइन का जो डिनोमिनेशन है उसके नीचे स्टार मिंट मार्क बना है तो ही समझना कि ये एक हैदराबाद मिंट का कॉइन है 1986 का। और अगर आप लोग 1986 का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन अपने कलेक्शन में रखना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको यूएनसी कंडीशन में पे करना पड़ सकता है अप टू 300 रुपीज तक। अब दोस्तों जो हमारे टॉप 5 नंबर पे कॉइन आता है, यहाँ पे दो कॉइन आता है और दोनों कॉइन के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहला जो कॉइन आता है ये 2004 का आप लोग क्रॉस कॉइन आप लोग देख सकते हैं। ये कॉइन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थीम के ऊपर ढाला गया था। नोट करने की बात यह है कि ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट में ढाला गया था और ये कॉइन 2004 में ढाला गया था। 2004 का ये कॉइन अगर आप सभी लोग अपने कलेक्शंस में रखना चाह रहे हैं तो यूएनसी कंडीशन में इसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है अप टू 400 रुपीज तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो वही अगर फोर्थ नंबर की जो हमारे दूसरा कॉइन है उसके बारे में बात करें तो यह है 1988 का 6 ग्राम वजन वाले कॉपर निकल का कॉइन। और सबसे रेयर की बात करें तो नोएडा मिंट का जो 6 ग्राम वजन का ये कॉइन है 1988 का, ये काफी रेयर है। और नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपके कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे डॉट मिंट मार्क बना है तो आप लोग समझ लेना कि 1988 का ये कॉइन नोएडा मिंट का है और ये काफी रेयर है। और ये अगर आप लोग अपने कलेक्शंस में रखना चाह रहे हैं तो इस कॉइन के बदले आप सभी को भुगतान करना पड़ सकता है 350 से 400 रुपए का बीच यूएनसी कंडीशन के लिए। वही बात करें हमारे जो चौथे नंबर पे कॉइन आता है ये है 1954 का प्योर निकल मेटल से बना हुआ 11.66 ग्राम वजन वाला और इसका जो वेट, इसका जो डायमीटर है वो 28 mm डायमीटर है, यानी कि इसका थिकनेस भी काफी ज्यादा है। और लगभग जो ये कॉइन जो हमने 7th नंबर में बताया था उससे मिलता जुलता है। और पॉइंट की नोट करने वाली बात यह है कि ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट में ढाला गया था। और अगर आपके डिनोमिनेशन का नीचे डायमंड का मिंट मार्क बना है तो आप लोग समझ लेना कि ये डायमंड मिंट मार्क है, यानी कि बॉम्बे मिंट में इसको ढाला गया था और 1954 का ये कॉइन था। तो इसको अगर आप लोग अपने कलेक्शंस में रखना चाह रहे हैं तो इस कॉइन के बदले आपको यूएनसी कंडीशन के लिए पेमेंट करना पड़ सकता है 1500 से 2000 रुपए के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आप सभी के पास 1954 का ये कॉइन है तो आप लोग बेच भी सकते हो इतने ही प्राइस में। तो बेचने के बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम हैं, उसे आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टॉप 3 में दो तीसरे पायदान पे जो हमारा कॉइन है ये 1970 के प्योर निकल मेटल से बना हुआ 10 ग्राम वजन वाले और 28 mm साइज इसका डायमीटर है। ये कॉइन की खास बात यह है और इसमें नोटिंग की बात यह है कि ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट में ढाला गया था। और अगर आपके कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे डायमंड मिंट मार्क बना है तो आप लोग समझ लो कि ये कॉइन बॉम्बे मिंट में ढाला गया है और ये काफी ज्यादा रेयर है। और 1970 के ये बॉम्बे मिंट के कॉइन को अगर आप लोग अपने कलेक्शन में रखना चाह रहे हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ सकता है पूरे 6000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन के लिए। अब जो हमारे दूसरे नंबर पे कॉइन आता है सबसे रेयर, वो आता है 1991 का कॉपर निकल मेटल से बना 6 ग्राम वजन का ये कॉइन। ये कॉइन नोएडा मिंट का जो है वो काफी रेयर है। और आप सभी को बता दें, नोट करने की बात यह है कि अगर आपके कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे डॉट मिंट मार्क बना है तो आप लोग समझ लो कि ये नोएडा मिंट का ढला हुआ कॉइन है, यानी कि 1991 का ये नोएडा मिंट का जो कॉइन है ये अगर आप लोग अपने कलेक्शन में रखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ सकता है यूएनसी कंडीशन के लिए 30000 रुपए तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो ये दूसरे नंबर पे सबसे महंगा कॉइन है रिपब्लिक इंडिया का। अब वही अगर डेफिनेटिव सीरीज का सबसे पहला, यानी कि सबसे टॉप 1 रेयर कॉइन और टॉप 1 मोस्ट वैल्यूएबल कॉइन की बात करें तो ये है 1982 के कॉपर निकल मेटल से बना हुआ 6 ग्राम वजन का ये कॉइन। इस कॉइन का खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट में ढला था। और अगर आपके कॉइन के डिनोमिनेशन के नीचे बॉम्बे मिंट मार्क यानी कि डायमंड की मिंट मार्क बना हुआ है तो आप लोग समझ लो कि ये बॉम्बे मिंट में ढला हुआ था और ये काफी रेयर है। और अगर आप लोगों को इस कॉइन को 1982 का जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है इसको अपने कलेक्शन में रखना चाह रहे तो इसके लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं पूरे 40000 रुपए तक। तो ये ओवरऑल अगर हम बताएं इन सभी टॉप 10 डेफिनेटिव 1 रुपीज के जो कॉमन सर्कुलेटिंग कॉइन्स हैं इनको अगर आप लोगों को कलेक्शन करना हो तो पूरे खर्च करने पड़ सकते हैं 60 से 70000 रुपए तक। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं ये टॉप 10 रुपीज 1 डेफिनेटिव सर्कुलेटिंग कॉइन्स का वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।